हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिपीडिया। माय नेम इज़ पूर्णिमा गुप्ता। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट होने वाली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है बट कॉलेज की क्वालिटी से वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, और उससे भी ज़्यादा बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है बट एट द सेम टाइम ना तो वो अपना साल वेस्ट करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज दे नो कि सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए आपके कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम उसी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे एक बजटेड ऑप्शन, क्योंकि MBBS करना आसान नहीं है इंडिया में। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज लेना है तो आपका जो बजट आता है वो काफ़ी हाई आता है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट बजट। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ऑप्शन के बारे में जहाँ पे आपको बजट भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बहुत सारा अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है क्योंकि पेशेंट फ्लो बहुत हाई है, एंड फैकल्टीज़ आर वेरी रिनोन्ड एंड वेरी एजुकेटेड। तो इसमें हम बात करेंगे MBBS इन नेपाल के बारे में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज़ ऐसी ऑप्शंस हम आपके लिए बहुत सारी इसमें लेके आते हैं जो आपके डॉक्टर करियर में, डॉक्टर जर्नी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एट द सेम टाइम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपका क्या व्यू है MBBS इन नेपाल को लेकर, और अगर आप MBBS इन नेपाल नहीं तो व्हाट इज़ योर प्लान। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ इसमें हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपको जाननी ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट विद MBBS इन नेपाल। स्टार्टिंग फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, स्टडी पैटर्न क्या है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है नेपाल में MBBS करने के, यहाँ पे टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बजट कितना आता है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपकी जर्नी में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जब हम नेपाल की बात करते हैं तो आपका जो नीट क्वालिफिकेशन है दैट शुड बी ऑफ द सेम ईयर। बाकी कंट्रीज़ में पिछले साल का या 3 साल की वैलिडिटी होती है, लेकिन नेपाल में सेम ईयर का नीट क्वालिफिकेशन लगता है। उसके साथ साथ आपके जो मार्क्स होने चाहिए दैट शुड बी जर्नल कैटेगरी मार्क्स, दैट इज़ 137 एंड अबव मार्क्स, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर नेपाल। यहाँ पे अगर हम स्टडी पैटर्न की बात करेंगे तो स्टडी पैटर्न यहाँ पे एब्सोल्युटली इंडियन स्टडी पैटर्न है, जहाँ पे इवन जो बुक्स यूज़ की जाती हैं वो सेम बुक्स यूज़ की जाती हैं जो इंडिया में इंडियन कॉलेजेस में बुक्स यूज़ की जाती हैं। तो आपको स्टडी को लेकर यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज़ यहाँ पर स्टडीज़ एब्सोल्युटली सेम है, जो कि फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प करता है, बिकॉज़ कॉम्पोजिशन ऑफ मेडिसिन एवरीथिंग इज़ सेम। जो स्टडी मीडियम है दैट इज़ कम्प्लीटली इंग्लिश, तो लैंग्वेज इशू यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ड्यूरेशन की अगर बात करें, सेम ड्यूरेशन है, 4.5 ईयर्स की आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है, 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको नेपाल से करनी पड़ती है। एज़ पर द न्यू NMC गाइडलाइन, आप जब इंडिया में आते हैं आपको नेक्स्ट 1 लिखना होगा, देन 1 ईयर का इंटर्नशिप करना होगा, नेक्स्ट 2 लिखना होगा, देन यू विल गेट अ लाइसेंस फ्रॉम इंडिया एज़ वेल। अगर यहाँ पे आप बजट की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 42 लाख्स एंड इट कैन गो अप टिल 60 लाख्स। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग यू कैन चूज़ द कॉलेज, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो 42 लाख से स्टार्ट होकर अप टिल 60 लाख्स जा सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि मैम इसको बुक कैसे करना है और कब करना है। देखिए, नेपाल में यू कैन बुक द सीट्स स्लाइटली लेटर दैन इंडिया ऑल्सो, बट वहाँ पे ड्रॉबैक क्या होगा, अगर आप जल्दी बुक कर लेते हैं सीट्स तो आपको जो फीस में बहुत सारा स्कॉलरशिप मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस ऑलरेडी नेपाल में हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी बुकिंग हो चुकी है, जिन्होंने 42 लाख से स्टार्ट किया था, देन दे इंक्रीज़ देयर फीस टू 45 लाख्स, देन दे इंक्रीज़ देयर फीस टू 48 लाख्स। आज की डेट में उन्हीं कॉलेजेस का फ़ीस 52 लाख्स भी है। तो यहाँ पे सबसे मेजर बेनिफिट आपको टाइमिंग का होता है, जितनी जल्दी आप बुक करवा लेंगे आपकी जो फ़ीस है उतनी ही आपको कंसेशन मिल सकता है। Then the question is how to book. You can always reach out to Medipedia team. We can help you with everything starting from assessing your documents, अलॉन्ग विद आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए एज़ पर योर नीड स्कोर, एज़ पर योर बजट, एंड देन वी विल ऑल्सो हेल्प यू to get the best college in your budget in a best fees. Also, if you are going through us, we help students for complete 6 years along with the next preparation so that when they come back to India, उनको next exam देने में बिल्कुल भी कोई issue नहीं हो। अब सबसे बड़ा point discuss करते हैं कि pros and cons क्या हैं नेपाल से MBBS करने के। अगर हम प्रॉस की बात करें तो बहुत सारे प्रॉस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री, जहाँ पे जाने के लिए ना तो आपको कोई वीज़ा चाहिए, आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। रोड से जाते हैं तो देयर आर सो मैनी बॉर्डर्स विच आर सराउंडेड इन नेपाल, लाइक यूपी बॉर्डर, देन देयर इज़ अ बॉर्डर नियर वेस्ट बंगाल, देन देयर इज़ अ बॉर्डर नियर बिहार। तो बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, आप कहीं से भी बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें बाय एयर, दिल्ली से नेपाल काठमांडू की जो फ़्लाइट है दैट इज़ जस्ट 1.5 hours, तो बहुत नॉमिनल आपको पड़ता है। बहुत मेजर एडवांटेज है इस चीज़ का, क्योंकि अगर बच्चे यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी जाते हैं देन नेपाल जाते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली सेम। अगर उनको 10 days की भी छुट्टी होती है, दे कैन कम बैक टू होम। देन द अनदर बेनिफिट इज़ देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर, आपकी पूरी स्टडी इंग्लिश में है, हिंदी इज़ अ कॉमन लैंग्वेज टू स्पीक, तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। देन द थर्ड इज़ कम्प्लीटली इंडियन पैटर्न ऑफ स्टडी है, सेम केमिकल, सेम बुक्स, एवरीथिंग इज़ सेम, तो आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पे नहीं आती। बजटेड ऑप्शंस मिलते हैं। बेस्ट थिंग इज़ आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, रैदर यू वेस्ट योर ईयर इन रिपीटिंग और गेट अ कॉलेज जहाँ पे एजुकेशन ही अच्छा नहीं है, देन वॉज द पॉइंट ऑफ डूइंग MBBS विद बाई स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, राइट। देन द कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे ड्यूरेशन बहुत लंबा है। ड्यूरेशन लंबा है डेफिनेटली, 4.5 ईयर्स की स्टडी आप वहाँ से करेंगे, 1 ईयर का इंटर्नशिप वहाँ से करेंगे, उसके साथ साथ 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको इंडिया में भी करनी है। बट बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, जब आप 1 ईयर की इंटर्नशिप नेपाल से करते हैं, आपको ऑलरेडी इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है, दैट एड्स ऑन इन योर एक्सपीरियंस, राइट। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे ड्रॉबैक एक है कि यहाँ पे जो स्टडी है, वो सेशन है वो थोड़ा लेट शुरू होता है, बट इस बार वो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी नेपाल गवर्नमेंट प्लान कर चुकी है कि वो बहुत ही जल्द विदिन नेक्स्ट मंथ अपने फॉर्म्स रिलीज़ कर देगी और जो सेशन है विदिन दिस ईयर ही स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑलरेडी ओवर। सो आई थिंक ओवरऑल अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हैं नेपाल से MBBS करने के। द ओनली थिंग इज़ यू आर एडिंग 1 additional year, बट दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अदर देन दैट NMC गाइडलाइंस कम्प्लीटली फॉलो हो रही हैं नेपाल में, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड लाइक टू लिस्ट फ्यू कॉलेजेस जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर हम काठमांडू लोकेशन की बात करें, काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, देन कुसुम्स है, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, KIST मेडिकल कॉलेज है, नेपाल मेडिकल कॉलेज है, ये काठमांडू प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड हैं। अगर हम भरतपुर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस है, KOMS है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एंड इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत प्रेफरेंस रहता है उसके लिए। देन इफ़ वी ट्रैवल टूवर्ड्स पोखरा, वहाँ पे मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है। मणिपाल विद इट्स नेम बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, बट यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, ऑलरेडी मोर और लेस दैट इज़ फिल्ड। इफ़ यू वांट टू बुक योर सीट यू रियली हैव टू बी वेरी क्विक फॉर दैट। And then there are other colleges also like Birat Medical College, Nobel Medical College and many more. So these are the few top colleges which you can choose. Other than that there are government colleges also, but for that colleges the fee structure is high and also you really need a good score for that. But at the same time if you ask us we can help you to get a government colleges as well in Nepal. Thank you so much. Stay tuned with Medipedia. And we are always there for your successful career, and we are happy to be your dream career planner.